अब मैं बताता हूं इसका खाका, और ये भी पिछली वीडियो में बता दिया था ये हमारा साइज क्या होना चाहिए। मैंने इसको 12-18 में बना रखा है, इसको फ्लेक्स पर भी प्रिंट कर सकते हैं 2x3 में या 3x6 में और 4x2 में, फ्लेक्स पर भी प्रिंट कर सकते हैं, पेपर पर भी प्रिंट कर सकते हैं, डिजिटल साइज है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने साइज ले लिया 13x19, यहाँ पर देखेंगे ये 13x19 पेपर साइज है हमारा, यानी ओ सॉरी पेज साइज है, पेज साइज जो है 13x19 है, और इसके अंदर अंदर मैंने 12x18 बना दिया, एक बॉक्स बनाया, इस तरीके का कलर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से ले लेता हूँ कंटूर टूल, ले लिया मैंने ये 13 में बना के दिखा रहा हूँ, ये हर वर्जन में हो जाएगा। यहाँ पे 1 दे देंगे, फिर यहां से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब इसको कंट्रोल के कर देता हूँ, ये अलग हो गया। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई ऐसे लाइट कलर, इसी से मिलता जुलता कोई लाइट कलर दे देता हूँ मैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये कलर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, Shift F11 किया मैंने, यहाँ जाने के बाद आप थोड़ा सा इस स्लाइडर को ऊपर की तरफ ऐसे हल्का से लेके आइए, तो थोड़ा सा ये टोन ले लीजिए आप, कुछ इस तरीके का टोन, यहाँ देख लीजिए यहाँ में लेके गया, ये कैसे कलर मिल गया मुझे, अब यहाँ पे ऐसे डाल दिया। अब इसकी आउटलाइनिंग हटा दीजिए, अब आप देखेंगे ना इसके अंदर चल के देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर चल रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर दाखिल हो गए। अब ये मैंने ऐसे बना रखा है, आप देखेंगे ये कौन सा कलर है, और इसमें आउटलाइन दे रखा है, इसमें शेडो दे रखा है, और क्या किया इसको जो है ना, एक मैंने इसे बॉक्स बना लिया था, या बॉक्स ना बना करके ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं, एक मैंने इस तरीके की इमेज ला के लगा दी, ये मेरे पास इमेज थी, यही इमेज ला करके यहाँ पे लगा दिया, एक इमेज है, ये भी इमेज है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अभी दिखाता हूँ, और यहाँ लेके चलता हूँ, दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ लेके आया मैं, इसको यहाँ से मैं दे देता हूँ इसमें शेडो, शेडो दे दिए, ये शेडो देने के बाद यहाँ पर कर दिया 6, 6 कर दिया, थोड़ा सा शेडो अच्छा लग रहा है। अब इसकी पीटी जो है, इसमें पीटी हमने दे रखा था 2-3 पीटी कर दीजिए, 3 पीटी करने के बाद इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा लुक बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। और अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ रखता हूँ, और ये कैसे इसमें कुछ इफेक्ट दिए गए हैं वो भी आप देख लीजिए। अगर आप इसको इस टूल को लेंगे, यानी ये आपका कौन सा टूल, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल, आप देखेंगे यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट कर रखा हूँ, ऐसे ड्रैग करके यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया, ताकि इसमें बैकग्राउंड में हमारा मर्ज हो जाए, इसको मैंने क्या किया था, ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि इसमें मर्ज हो जाए। इसको मैं हटा के दिखाऊं तो देखिए ऐसे है ये, पहले ऐसे था यानी ओरिजिनल ऐसे थे, अब मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर रहा हूं मैं, ये एक पिलर रखा हुआ है, इस पिलर को भी ले लेता हूँ, ये भी डाउनलोड करके रखा था मैं, PNG आर्ट है ये, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ले आए, और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इसे, और यहाँ थोड़ा सा ये बॉर्डर थोड़ा इसे इसे ढक जाए, ये इसका एज ये लगा दिया साहब, हो गया ना। अब इन सबको जो है आप चाहें तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, इसके अंदर डाल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन जो है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसको मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, अंडू कर दिया। अब जो है इन सबको, इसको भी सिलेक्ट करके, इसको भी सिलेक्ट करके, और ये भी, ये जो शेडो दिया और ये भी, इन सबको सिलेक्ट करके मैं बैक में ले जा करके अब क्या करता हूँ, ऐसे यहाँ पर ऐसे दे दिए, ये इस तरीके से दिया गया है ताकि यहाँ से ढक जाए, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब ये वाला पोर्शन बनाया, ये पोर्शन बनाने के लिए आप देखेंगे कैसे बना हुआ है, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिए कैसे बनाया था, ये इस तरीके से बनाया था, आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप, एक ये वाला टूल ले लीजिए, ये वाला टूल लेने के बाद आई थिंक यहाँ यहाँ किया, इसे यहाँ किया, यहाँ करने के बाद ऐसे कुछ बना दिया। अब इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर्व कर दिया, यहाँ पे ऐसे करो, और ऐसे करने के बाद ऐसे थोड़ा सा कर लीजिए यहाँ ऐसे, इसमें कोई अभी फिलहाल एक कलर कर देते हैं, कोई भी कलर कर दीजिए आप। और एक काम और करता हूँ मैं, कि इसमें थोड़ा सा इसको इसे ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, एक ऐसे पट्टी सी बना दिया मैंने, और अगर आप चाहें इसको थोड़ा दूसरा कलर कर दीजिए, और अगर आप चाहें इसको हल्का से ऐसे ये वाला पकड़ करके ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इस अंदाज में बन गया, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो है क्या करेंगे, इसमें मैंने गोल्ड कलर कर दिया, ये वाला गोल्ड कलर कर देता हूँ मैं, या चाहें आप गोल्ड कलर आपको बनाना है तो आप इस पर क्लिक करें, जी प्रेस करें, ऐसे कर दीजिए आप,
और ऐसे करने के बाद यहाँ पे इसमें थोड़ा कम आसान है, मतलब इसमें थोड़ा टफ सा लगता है मुझे, तो मैं F11 करके करता हूँ। F11 पे गए और यहाँ से मैं कर देता हूँ। यहाँ मैंने किया गोल्ड कलर, गोल्ड कलर लेने के लिए ये वाला स्लाइडर यहाँ लेके आइए, ऐसे हल्का सा येलो और रेड के बीच में। अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया साहब। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नोड और बनाएंगे, थोड़ा सा डार्क ले लीजिए, इसे डार्क ले लिया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे चलिए, आप चाहे थोड़ा सा और डार्क ले लीजिए इसे, और यहाँ पे चलेंगे फिर चाहे थोड़ा सा और लाइट ले लीजिए, यहाँ चलेंगे तो फिर यही पे स्लाइडर यहाँ पे लेके आएंगे, फिर ये वाला कलर ले लीजिए आप, ऐसे मिलता जुलता, ठीक है ना। इस तरीके से गोल्ड कलर हम बना सकते हैं, या आपको लगे कि सही नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर कर लीजिए, लाइट कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, डार्क के लिए मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, है ना, कुछ इस अंदाज में। इसको थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए साहब, यहाँ आ गए। अब इसको ओके कर देंगे, कुछ इस तरीके से आपका बन गया। अगर लगे कि कम सही है तो थोड़ा सा और इसको एक पॉइंट और बना सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दूसरा कलर कर लीजिए। ये मैंने किया था ब्लू में किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा ये वाला ब्लू कर दीजिए, यहाँ पर 100% इसको रहने दीजिए, यहाँ पर 70% ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी आउटलाइनिंग हटा दीजिए, इसकी भी आउटलाइनिंग हटा दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बन गया। और चाहे तो आप यहाँ जैसे ग्रेडियंट दे रखा है, ग्रेडियंट दीजिए या ना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन उठा करके, ये जो आर्टवर्क रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा है, ये उठा करके मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने से क्या हुआ, ये जो जगह है ये फिल हो गई, जो दिख रही थी ना ये जगह फिल हो गई। अब ये कुछ इस अंदाज में दिखने लगा, है ना। और ये जो तारीख वगैरह लिखी है, ये तारीख वगैरह यहाँ पे लिख दीजिए, और ये जो हेडिंग बनाया था, हेडिंग आप जो है यहाँ रख दीजिए साहब, हेडिंग को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, और ये वाला पोर्शन आप उठा करके, ये जो बना के दिखाया था आपको, यहाँ पे आप लगा दीजिए। ये अगर ये बाहर निकला हुआ है, ये हल्का सा इसके बाहर यहाँ तक निकला हुआ है, यहाँ पे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दीजिए इसको, ठीक है। ये आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और एक इसमें लैंटर्न की डिजाइन ये रखी हुई है, लैंटर्न की बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी लैंटर्न की डिजाइन होती है, आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको लैंटर्न कहा जाता है, ये भी आप देख लीजिए, लैंटर्न, ठीक है। आप यहाँ ला करके यहाँ सजा सकते हैं, ये हो गया साहब, मुझे लगता है इससे अच्छा ये लग रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सीरत गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखने के लिए आपने एक वो बने, चाहे इसी के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या लिखा, अब जहां आप देख रहे होंगे जिस जगह, मुझे नहीं पता कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है, बहुत से लोगों हिंदी नहीं आती है, वहां हिंदी नहीं चलती है, हो सकता है और कोई लैंग्वेज चलती हो तो आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने ले लिया, ये लिख देता हूं मैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और ऑल्ट टी टी कर दिया, यहाँ पे ये आ गया, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेके आए, ठीक है। यहाँ लाने के बाद इसको चाहे थोड़ा सा और ऊपर ऐसे कर लीजिए, इससे थोड़ा सा हटके अलाइदा, ठीक है ना, तकरीबन ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको कीजिए कंट्रोल के कर दीजिए, ये इसमें से निकल गया। अब इसको व्हाइट कलर कर दीजिए या किसी दूसरे कलर में, या इसमें ना करके आप कर दीजिए यहाँ पर, और F12 में कर रहा हूँ। F12 करने के बाद यहाँ पे तीन दो पीटी कर लीजिए, दो पीटी कुछ इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ दो पीटी कम लग रहा है, यहाँ पे पांच पीटी कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और ये भी वाइट कर दीजिए, वाइट करने के बाद इसमें मैंने क्या किया था, आप इसको यहाँ रखिए पहले, यहाँ रखने के बाद आप चलेंगे इसमें, चलने के बाद यहाँ पे देखेंगे मीडियम ग्लो कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया, सिक्स कर दिया, और यहाँ पर गए, यहाँ पर आउटसाइड इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये बन गया। कंट्रोल के कर देते हैं, ये बाहर रख करके करना ज़्यादा ठीक रहता है, अब जो है कोई खतरा नहीं है, यहाँ रख सकते हैं आप, ये साहब ये भी बन गया, इसको ग्रुप करके यहाँ पे रख दिया। और यहाँ जो बना हुआ है, ये बना हुआ है इस तरीके से, इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं, इसमें कुछ अशार लिखे हुए हैं, आप इसको देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसको कॉपी करके मैं लेके चलता हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं कैसे बना है, ये मैंने लिया था यहाँ से, ये वाला टूल ले लिया, ऐसे करके बस ऐसे बना दिया। अब इसके अंदर जो है ऐसे करके एक बॉक्स बना दीजिए, इसके अंदर ये डाल दीजिए, और इसमें जो है कोई ग्रेडियंट कलर दे दिया, गोल्डन में दे रखा है मैंने गोल्ड कलर, ठीक है ना, अब बताने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ लेके आए, यहाँ पे इसे लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया, ठीक है। मोस्टली ये ऊपर वाला बन के आपका तैयार हो गया।
और अब रह गया, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंदी में ही लिखा है, बामुकाम वगैरह अगर आप चाहें यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू में आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया एक डिवाइडर की तरह एक लैंटर्न की डिज़ाइन ले लिया, ठीक है साहब। मुझे लगता है बहुत बोल्ड है ये जो है ज़्यादा चौड़ाई है। और आप इसमें ये जो उर्दू में लिखा हुआ है, ये उर्दू में इसे कॉपी करता हूँ मैं, इसको आप टाइप कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब मुझे लगता है आपको बताने की सिखाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ है 5 नवंबर 2022, ये कैसे लिखा गया, कैसे सेट किया गया आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। और ये भी ऐसे लिख दिया गया मुताबिक 9 रबीउल आखिर 1444 हिजरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ईशा, ये लिख दिया गया इसके नीचे। इसी एक लाइन में लिख करके इसे थोड़ा सा स्लैंट इसे तिरछा करके लगा दिया यहाँ पे, यानी घुमा करके लगा दिया एंगल में। और यहाँ पे 5 नवंबर 2022 ऐसे लिख करके, ये भी लिख करके ऐसे थोड़ा सा इसे घुमा दिया इसका एंगल। यहाँ देखेंगे ये इसका एंगल घुमा हुआ है, ये देख रहे हैं इसका एंगल घुमा हुआ है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप कर दिया इसलिए ये एंगल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इतना बना के दिखा दिया। और क्या करना है साहब, ये पूरा हम कॉपी करके यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ पर ये लगा दिया। उसके बाद मैंने किया जैसे ये है, ये बना हुआ है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ मैं रख देता हूँ, ऐसे मैंने लगा दिया। डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, कोई दूसरा आर्ट वर्क भी लगा सकते हैं इसे। और अब ये जो बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं बना के आपको दिखा चुका हूँ, ये सब बताने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये डाउनलोड किया हुआ है, ये भी बताया था ये कैसे बना हुआ है, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे ला के ऐसे रख देता हूँ, यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये भी ऐसे ही रख देता हूँ यहाँ पर। और ये जो लिखा हुआ है, ये गुलाम रब्बानी ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कैसे लिखा गया है, कैसे टाइप किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे फाजिल नौजवान आलिम ज़ीशान मुकर्रर कौम हज़रत लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब यूपी संभल, ठीक है ना, संभल यूपी। तो इस तरीके से मैंने बना के लगा दिया गुलाम, ये अगर लिखेंगे वहाँ पर तो ये मीम जो है यहाँ पर आएगा। मैंने ऊपर ऐसे करके लगा दिया, रब्बानी मर्रे यहाँ लिखा हुआ आता है तो इसको ऊपर ऐसे कर दिया। और ये तस्दीद लगा दिया, ये ऊपर लगा दिया, ऐसे सजा दिया इसको। ये भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लगा दिया मैंने। अब यही सेम मैंने हिंदी में लिख दिया, ये इसको यहाँ पे लगा दिया, आप देख ही रहे हैं कोई खास बात नहीं है इसमें। और इसको देखेंगे खालिद रज़ा, जैसे ये है नकीब जलसा हज़रत मौलाना हाफिज़, यहाँ पे खालिद रज़ा संगम विहार, हिंदी में भी लिख दिया। इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपको मैं ना खास तौर से अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हेडिंग वगैरह या कोई भी चीज़ लिखना हो उसको उसको सिस्टमेटिक अंदाज में थोड़ा अच्छे खूबसूरत अंदाज में कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल मैं पोस्टर बता देता हूँ, बहुत लोग इसको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ ये सब। तो अब इसको आप जो है यहाँ से भी ऐसे कॉपी करके आप ले सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना, ये लिखा ज़ेर तिलावत, ये मैंने कहाँ से लिया था, ये कैल्क से मैंने बनाया था, ये ज़ेर तिलावत। ये सारी चीज़ें आप कैल्क से भी बना सकते हैं, कैल्क से भी ये सब ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छे अंदाज में लिखा जा सकता है। लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इसमें एक पोस्टर में पूरा पूरा दिन लगाऊं, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा झंझट नहीं करता। ये वाला पोस्टर उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ ज़ेर क़यादत है, क्या है ये, कैसे लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। ये भी जो है मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर, ये मैंने कैल्क से ही लिखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना कैल्क से बहुत आसानी से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, इसकी आपको किताबत करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। और ये कैसे बनाया था, ये भी मैं बना के दिखा चुका हूँ आपको कि कैसे बनाया जाएगा ये। अब ये नहीं मालूम होगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क होते हैं जो कि पोस्टर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, वो सारी चीज़ें इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें यही सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा बना बना करके, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बनाया था इसको, यहाँ से मैंने क्या किया था कि एक ये शेडो है, ये शेडो दे दिया, बस बनाने के बाद शेडो दे दिया था। अब इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लेके गए, लाने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, थोड़ा सा लुक इसका बढ़ गया, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, अब इसमें कोई खास बात नहीं है। ये जो शैडो बना हुआ है, शैडो भी मैं दिखा चुका हूँ कि कोरल 17 में कितने आसानी से कितने अच्छे से बन जाता है, मैंने इसी में बनाया, 13 में बनाया है, थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया इसको, तो उसमें ज़्यादा आसान है, इसमें उतना आसान नहीं है ये, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल इसको मैं स्किप करता हूँ।
और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। और मेन मसला ये है कि ये कैसे बना हुआ है, और ये सारा आर्टवर्क मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। ये सारा आर्टवर्क मैं कैसे बनाया हूँ ये आपको पता है, सबको दिखा चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। और ये भी आपको पता है कि ये कैसे, जिसे हज़रत अल्लामा हज़रत मौलाना लिखा है, तो कैसे मैंने लिखा, ये ते ऊपर लगा दिया, हे ज़ाद रे ऐसे कर दिया और ते ऊपर लगा दिया, ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल साहब अलविया मस्जिद, इस तरीके से। और ये कैसे बनाया है ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसीलिए एक एक पॉइंट पे, एक एक नुक्ते पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि हर चीज़ ना दिखाना पड़े आपको। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना हुआ। ये अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डार्क डार्क सा दिख रहा है ना, ये कैसे बना हुआ ये मैं बता देता हूँ। इसको करने के लिए मैंने क्या किया था, ऐसे ये पेन टूल ले लिया या ये फ्री हैंड टूल, यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक किया, यहाँ यहाँ क्लिक करने के बाद फिर यहाँ क्लिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, और ये वाला टूल ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे गए और इसको यहाँ ऐसे किए, यहाँ ऐसे कर दिया, फिर यहाँ भी ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल कर दिया, कंट्रोल एल करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद डिलीट कर दीजिए, अब देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया ये साहब, स्मूथ हो गया। अब जो है इसको बाहर ऐसे थोड़ा सा खींच दीजिए, जैसे हाँ ये यहाँ तक आ रहा है ना, अब इसको यहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ले लीजिए। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों थोड़ा बराबर में रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको ये भी एडजस्ट कर लेना है कि ये थोड़ा सा बराबर रहे, इसे इसको चाहे थोड़ा सा और ऊपर ले जाके रख सकते हैं, और इसको चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए। लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ अभी, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको मैं फिर ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, यहाँ से ऐसे किया, फिर यहाँ लेके आए, ए मुझे लगता है यहाँ तक है ये, यहाँ तक है ना, यहाँ इसको ऐसे किया और इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, कलर हम करते हैं यहाँ से, ये वाला कलर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, यहाँ से मैं करता हूँ इसका थोड़ा सा पीटी आप बढ़ा दीजिए, 3 पीटी कर देता हूँ मैं, 3 पीटी कर दिया। अब यहाँ चलेंगे, चलने के बाद इसको ऐसे मीडियम ग्लो कर देता हूँ, मीडियम ग्लो करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा 10 पीटी कर दिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ मिडिल कर दिया इसको थोड़ा सा, और या आउटसाइड कर दिया इसे, और इसको थोड़ा चाहे बढ़ा ही दीजिए हल्का सा, 20 या 20 ना करके 15 कर दीजिए। और अब क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं यहां जैसे मल्टीप्लाई लिखा, मल्टीप्लाई ना लिखा, नॉर्मल कर दीजिए और कंट्रोल के कर दीजिए, और इसको ले चल के ऐसे आप यहां पर रख सकते हैं। आप अगर आपको लगे कि ये जो है ज्यादा डार्क है तो आप यहां से कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां चलेंगे, कलर आप इसका थोड़ा सा डार्क कर लीजिए इसे, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा यहां देखेंगे ये ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर डाल सकते हैं आप, इसके अंदर डाल दे, देख लीजिए कैसा लुक बढ़ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसका कलर कुछ और भी चेंज कर सकते थे आप। और अब क्या करना है, अब यही सारा मैं कॉपी करके इसे, ये पूरा ऐसे मैं कॉपी करता हूँ, इसमें कुछ नहीं करूँगा, ये सारा चीज़ आपको मालूम है, यहाँ से मैं ला के इसे उठा के रख देता हूँ। और मुझे लगता है थोड़ी सी जगह इसमें एक्स्ट्रा होगी, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहिए था, ये भी थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहिए था, तो ये आ जाता, यहाँ से ऐसे करके ना इसको थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं आप। ये जो फूटर है यहाँ पर जो है, आप ये सब नाम दे सकते हैं इस फूटर में, इसका कलर कोई और चेंज कर लीजिए, ये वाला ग्रीन कर लीजिए या ये वाला ग्रीन कर लीजिए, और यहाँ से इसको हटाइए इसकी आउटलाइनिंग। अब इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, इसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इसको बैक में लेके गए, बैक में ले जाने के बाद अब मैं कर रहा हूँ ऑल्ट सी डब्ल्यू टी कर रहा हूँ, अब इसके अंदर ऐसे लेके गया, ठीक है। अब यही सारा चीज़ ना जो लिखा हुआ है यही आप कॉपी करके इसमें डाल दीजिए, ये हो गया। चाहे तो मैंने यहाँ यहाँ तक कर दिए, थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था, और इसको जो है ना यहाँ से थोड़ा सा और उठाना चाहिए था इसको, तो बड़ी आसानी से ये आपका बन के तैयार हो जाता। हाँ ये देखिए यहाँ तक ले रहा है, ये यहाँ तक ले रहा है, देख रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, और इसको इसके अंदर डाल दीजिए आप, यहाँ पर ये डल गया, ठीक है ना। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा सा वो एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका ये फूटर जो है भी
बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा इसी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पोस्टर किस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया, रेडी टू प्रिंट हो गया। अब आप इसको कर्व करके आप प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप बताइए मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसमें समझ में आया, क्या इसमें समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारी चीज़ें डिटेल से सीखना हो तो आप ऑनलाइन क्लास के जरिए ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं। आप इसके लिए मेरे पास ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सीख रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बनिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक लिए शुक्रिया, थैंक यू।